सो गाइस वॉच 4 के लिए यहाँ पे नया अपडेट तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन दोस्तों जब आप इसको अपडेट करने जाओगे, जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे कॉपिंग फाइल होता है अपने वॉच से यहाँ पे आपका फोन में, तो वो दोस्तों फेल हो जा रहा है। और इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे वॉच जो है वो यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं। जैसे कि मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊँ, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप जो है इजिली कैसे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसी के बारे में। तो गाइस इस वाले प्रॉब्लम को बताने से पहले मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए तारिक टेक, वहां पे मेरा जो है चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जल्दी जाइए लिंक के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन होइए, क्योंकि मैं वहां पे छोटा छोटा चीज़ भी आप लोग को अपडेट यहां पे करते रहता हूं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो मैं वहां पे भी बता देता हूं कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, तब आप लोग को इसमें जो है कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों होता क्या था कि दोस्तों जब ये कॉपिंग फाइल होता था तो उस वक्त ये फेल होता था। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन बहुत ही यहाँ पे सिंपल है। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राई करके देखना है कि ब्लूटूथ को आप ऑफ कर दीजिए, वाईफाई को ऑन रखिए और उसके बाद अपने फ़ोन को अपडेट करेंगे तो मे बी ये जो है काम यहाँ पे करने लगेगा। अगर दोस्तों ऐसे भी अगर नहीं हो रहा है, मैंने अपना फ़ोन को क्या किया कि अपना जो सैमसंग वेरिएबल आर्म का एप्लीकेशन होता है उसको मैंने जड़ से यहाँ पे ख़त्म कर दिया, मतलब अनइंस्टॉल कर दिया। फिर मैंने उसको डाउनलोड किया और फिर से अपने फ़ोन को उसके साथ पेयर किया और उसके बाद जब मैं यहाँ पे अपडेट करने गया तो ये आसानी से यहाँ पे हो गया है। दोस्तों ऐसे भी करके आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे दोस्तों आगे वीडियो की मैंने यहाँ पे कैसे जो है अपडेट के यहाँ पे कॉपिंग फाइल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जा रहा है। मैं दोस्तों शूट करना भूल गया था जब यहाँ पे फेल्ड मारा था, लेकिन मैं जब दोबारा यहाँ पे शूट करने लगा तो वो जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बिना किसी एरर के हो गया। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें और फीचर्स आप लोग को क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने स्मार्टफोन पे और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास वॉच भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब दोस्तों सिंपली आप लोग को अपडेट करने के लिए आप लोग को एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर में ही आप लोग को शो कर देगा कि अपडेट आया है। अगर दोस्तों नहीं आता है तो वॉच का सेटिंग में जाएंगे, वॉच यहाँ पे सॉफ्टवेयर और डेटा क्लिक करेंगे, आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिखेगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब दोस्तों जितना एम बी का ये अपडेट होगा ये यहाँ पे शो कर देगा। अगर दोस्तों वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन से अगर आपका नहीं हो रहा है काम तो आप लोग को क्या करना है, वॉच में जो नोटिफिकेशन आया है उसको आप लोग को क्लिक करना है। आप जैसे ही वॉच पे क्लिक करेंगे वहां से अपडेट स्टार्ट हो जाएगा और आपके फोन में भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप यहां पे देखेंगे कॉपिंग फाइल जो हमारा है वो यहां पे सक्सेसफुली हो गया है और वॉच में यहां पे दे दिया है इंस्टॉल करने का। सिंपली आप लोग वॉच पे इंस्टॉल नाउ यहां पे करेंगे और उसके बाद आपका जो स्मार्टफोन है वो यहां पे दिखाने लगा कि आपका जो है वो यहां पे डिस्कनेक्ट हो गया है वॉच और आपके वॉच में ये जो अपडेट है वो सक्सेसफुली यहां पे होने लगेगा। अब दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में आगे में बताऊंगा कि आप लोग को इस वाले अपडेट में क्या क्या यहाँ पे जो नया फीचर्स है वो देखने के लिए यहाँ पे मिला है। दोस्तों कुछ देर के बाद आपका जो वॉच है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे फिनिशिंग यहाँ पे हो गया है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आखिर इस वाला जो अपडेट है इसमें आप लोग को कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा वॉच के सॉफ्टवेयर अपडेट में। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा तो आप लोग के यहाँ पे जो भी अपडेट के यहाँ पे फीचर्स है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए इम्प्रूवमेंट एंड स्टेबिलिटी को यहाँ पे सही किया गया है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पे पावर से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, जो स्टेबिलाइजेशन था उसको यहाँ पे सही कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप लोग के यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा था अपडेट के एरर से लेके उसको इस अपडेट में यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बैकअप का भी ऑप्शन आप लोग को मिलता है, वॉच सेटिंग में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ से आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं।